नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक राजनीतिक खबर या यूं कहूं कि चर्चा, जिसे महाराष्ट्र क्राइसिस कहते हैं, वो अभी ऐसा नहीं है कि उसकी चर्चा नहीं होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि उसकी चर्चा जारी रहेगी आने वाले कई दिनों तक। असली शिवसेना को लेकर के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मैंने इसलिए कहा था कि ये चर्चा अभी खत्म होने वाली नहीं है और इसे लेकर के एक याचिका दाखिल की है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में आयोग तय नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है। अब सब चीज़ें निपट गई हैं तो शिवसेना किसकी है, असली शिवसेना कौन सी है, अब लड़ाई इस पे है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और उद्धव गुट से 8 अगस्त तक शिवसेना के अधिकार के दावे दस्तावेज के साथ दाखिल करने के लिए कहा था। इसे ही ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और याचिका में कहा है कि आयोग का ये फैसला असंवैधानिक और जल्दबाजी में लिया गया है। याचिका में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कहा गया है। याचिका में एक बड़ी दिलचस्प बात उद्धव गुट ने कही है कि ये जो उनका खेमा है इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि शिंदे गुट वैध रूप से संख्या बढ़ाने और संगठन में कृत्रिम बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर आगे बढ़ता है तो ये अपूर्णीय क्षति का कारण बनेगा। जो मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है उसमें जांच करना न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप जैसा है। इस तरह से ये अदालत की अवमानना के बराबर है, या यूं कहिए कि ये कोर्ट की अवमानना है। असली शिवसेना को लेकर के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इसे लेकर के एक जो याचिका है उसमें सवाल उठा दिया है कि ये नकली शिवसेना के साथ काम कर रहे हैं, असली नहीं है। और असली बात यह है, अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत मिलती है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी और कंटेंट के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।